हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं जॉब से आ चुका हूँ घर, और आज का ब्लॉग नाइट में शूट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह कहीं गया हुआ था, तो तब वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो अभी मैं नए घर में आया हुआ हूँ जहाँ पे हमने दिल्ली में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे अभी हम सामान सेट नहीं कर पाए थे प्रॉपर। तो अभी मैं किचन सेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने डीप क्लीनिंग करी है किचन की, और किचन के लिए मैंने बॉक्सेस ऑर्डर करे थे फ्लिपकार्ट से, वो भी आ चुके हैं, तो वो भी अभी अनबॉक्स करूँगा। तो उसमें ग्रॉसरी का सामान सेट करूँगा, ग्रॉसरी का भी मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो वो आज ही सुबह आया है। अब सारा ग्रॉसरी का सामान उन बॉक्सेस में लगाऊँगा और उसके बाद वो बॉक्सेस किचन में। तो अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ अपनी, जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ। तो ये है हमारी किचन, और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सफाई करी है, और यहाँ पे गैस रखी है। ये जो सिलेंडर है इधर होल करवाना है, और ये सिलेंडर चले जाएगा इसके अंदर, और यहाँ से मैंने अभी ड्रॉर निकाली हुई है क्योंकि वो गंदी हो रही थी, तो वो साफ़ करके लगाऊंगा। और बाकी ये ऊपर जो ड्रॉर्स हैं इसमें मैंने कुछ सामान रखा हुआ है ग्रॉसरी का भी, तो ये ग्रॉसरी का सामान भी सारा बॉक्स में जाएगा और बॉक्स रखेंगे यहाँ पे। तो उसके अलावा जो ये कैबिनेट्स हैं, तो यहाँ पे थोड़े जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वहाँ यहाँ रख देंगे, और बाकी जब किचन प्रॉपर सेट हो जाएगी फिर मैं आपको किचन दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ, और अभी जो मैंने रात में काम करना था किचन में, बॉक्सेस सेट करने थे ग्रॉसरी के लिए, तो वो नहीं किए थे, तो मैं अभी वो करने वाला हूँ। और जो मैंने घर के लिए सारा सामान मंगाया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो सारा मेरे को डिलीवर हो चुका है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग बैग्स हैं, वॉल स्टिकर्स हैं, स्टूल है, और ग्रॉसरी को हम बॉक्सेस में सेट करेंगे। तो फटाफट से मैं बॉक्सेस का बॉक्स ओपन करता हूँ और चेक करते हैं, और फिर उनमें सामान लगाते हैं। ये सारा सामान है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, और ये ग्रॉसरी को मैं इन बॉक्सेस में सेट करने वाला हूँ, तो फटाफट से ये ओपन करते हैं और फिर सारी ग्रॉसरी इनमें सेट करते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले ये बॉक्स का ओपन कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप में जार्स हैं, जार के अंदर जार होंगे, तो ये सारे अलग अलग साइज के जार्स हैं। काफी अच्छी क्वालिटी है बॉक्स की, तो बहुत सारे बॉक्स हैं इसमें, तो बॉक्स के अंदर बॉक्स हैं, तो फटाफट मैं सारे खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद सामान लगाएंगे। तो ये सारे वो बॉक्सेस हैं, मैंने सारे ओपन कर लिए हैं, और उनके साथ ये चम्मचें आई हैं, तो इन डिब्बों में अभी मैं सारे ग्रॉसरी सेट करूंगा। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है इनकी, तो अब फटाफट इनमें मैं सामान सेट करता हूँ। तो ये वो वुडन स्टूल है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, और ये वो ऑर्गेनाइजिंग बैग्स हैं, तो ये तो अलमीरा में जाएगा, और उसके अलावा ये स्टीकर हैं, ये मैं बाद में ओपन करने वाला हूँ, तो इन्हें भी मैं रूम में फिक्स करूंगा कहीं, तो आपको बाद में दिखाता हूँ। तो किचन हो गई है मेरी सेट गाइस, और अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने क्योंकि मेरी जॉब का टाइम हो गया है, और उससे पहले मैं आपको एक बारी अपनी किचन दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद फटाफट तैयार होऊंगा क्योंकि जॉब पे भी लेट नहीं होना है, तो फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हो गया हूँ मैं रेडी और निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा आगे जॉब पे पहुँच के। अभी मैं लंच करने आया था और लंच करके बैठा हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है, और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, पर थोड़ी गर्मी हो गई है अभी, तो कल से सोच रहा हूँ भी स्वेटर वगैरह पहनना बंद कर दूँ क्योंकि गर्मी लगती है अब दिन के टाइम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्यू काफ़ी अच्छा है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। सभी तरफ यहाँ देखेंगे तो आप पेड़ पौधे ही हैं दूर दूर तक, तो यहाँ पे अभी माली वगैरह काम भी कर रहे हैं, तो वो सेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ये बना के रखते हैं यहाँ पे। प्लांट्स को ट्रिम करने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है, तो ये सारा ट्रिम करके ऐसा ही बना देंगे।
अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ डायसन V11 एब्सोल्यूट प्रो वैक्यूम का। तो वैक्यूम का टेस्ट करने के लिए इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें चाय पत्ती है और दाल है, चावल है, मिक्सचर है दाल का, तो ये सारा इसमें डाला है थिन स्पेसेस में। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें थोड़ा सा वीट डाला है। तो अब हम इसे वैक्यूम को ऑन करेंगे और टेस्ट करेंगे कितना इसका सक्शन पावर है और कितनी फास्ट ये वर्क करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, तो अब टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कमाल की मशीन है ये, इसने कुछ ही सेकंड्स में सारा क्लियर कर दिया है। रिज़ल्ट आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से, तो अभी जा रहा हूँ घर। तो घर जाने से पहले मैं बियर्ड ट्रिम करवाने जाऊँगा। तो अभी का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।